अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फिरतुहु। हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि आजकल हालात के एतबार से कहा कि डर रहता है, हालात ऐसे हैं सामान के चोरी होने का, इसी तरीके से बच्चों के अगवा होने का, इसी तरीके से और कोई कीमती चीज़ चोरी होने का या उसको चुरा लेने का डर और खौफ रहता है। इसके लिए कोई वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल बता दीजिए ताकि हमारी चीज़ हमें महफूज रहे। जान, माल, इज्जत, आबरू, साथ और सामान, हर चीज़ की हिफाजत के लिए छोटे से अल्लाह के दो नाम हैं। अल्लाह के 99 नामों में से आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी किस्म का आपको ख़तरा हो, आपने गाड़ी खड़ी की है, 2 से 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा 11 मरतबा आप उसके ऊपर या हफीज़ो या सलामो पढ़कर आप उसका तसव्वुर कर लें, उसको कील दें इशारे के साथ, इंशाअल्लाह चोर चोरी करने वाला अपना पूरा जोर लगा लेगा लेकिन आपकी चीज़ को चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या हफीज़ो या सलामो पढ़ने वाले के ऊपर अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे की, उस सामान और उस चीज़ की हिफाजत करते हैं। तो इसलिए या हफीज़ो या सलामो छोटा सा अल्फाज है, आसानी से याद हो जाएंगे। अगर ऐसा ना भी पता चले तो अल्लाह का कलाम कुरान पाक उठाएंगे, शुरू में कुरान पाक में यह अल्लाह के 99 नाम लिखे होते हैं या हफीज़ो या सलामो, वहाँ से देखकर इसको आप याद कर लें, अपना मामूल बनाएं, अपने बच्चों का मामूल बनाएं। बच्चों को कहें कि बेटा जब भी बाहर निकलो, कहीं भी आपको कोई भी खौफ हो, ख़तरा हो, जान माल इज़्ज़त आबरू का आप इसको पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।